धृतराष्ट्र शब्द का लक्ष्यार्थ हुआ कि तामस अहंकार विशिष्ट जीव है, जो संसार बंधन में शोक मोह से ग्रस्त है। अतएव मोहवशा तो क्या रहे उवाच धृतराष्ट्र उवाच, क्या कहता है वह? धर्म क्षेत्र, क्षेत्र शब्द का अर्थ पहले ले रहे हैं, यहाँ थोड़ा गलत छप गया है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, इसे उसको ठीक कर लेना। क्षेत्रमित्य विधेय, शरीर को काट के क्षेत्र बना दिए। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, गीता के ही 13वां अध्याय के पहले श्लोक में कह रहे हैं क्षेत्र शब्द का अर्थ, अन्यत्र जो भी होगा इस अध्यात्म शास्त्र में क्षेत्र शब्द का अर्थ होता है शरीर। अतएव धर्म शरीर, धर्म शरीर है, धर्म क्षेत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? धर्म शरीर है। धर्म शरीर का मतलब इसका पहले अर्थ ले लो, शरीर को क्षेत्र क्यों का? क्षियंते अनेन प्रारब्ध कर्माणि इति क्षेत्र, इसको क्षेत्र इसलिए कहते हैं प्रारब्ध कर्म भोग करते करते प्रारब्ध कर्म क्षय हो जाता है, तब इस शरीर का मृत्यु होती है। क्षियंते अनेन प्रारब्ध कर्माणि इति क्षेत्रम, यहां भी इति मिला देना। अथवा धर्मार्थ क्षेत्रम, धर्म करने के लिए क्षेत्र प्राप्त हुआ, शरीर प्राप्त हुआ। धर्मार्थम मतलब धर्माय क्षेत्रम इति धर्मार्थम क्षेत्रम। अथवा धर्म अधर्मश्च उभौ प्रधानौ यस्मिन् इति वा धर्म क्षेत्रम, धर्म और अधर्म दोनों ही पुण्य पाप प्रधान है, जिस शरीर में उस शरीर का नाम धर्म क्षेत्र अर्थात सूक्ष्म शरीर इत्यर्थ, सूक्ष्म शरीर। तो धर्म क्षेत्र का अर्थ हो जाता है सूक्ष्म शरीर है। कुरुक्षेत्र करोतीति कुरु कर्म इत्यर्थ, करोतीति कुरु हो बनता है कर्म, गुणादि है, ऐसे गुणादियों से बन जाते ऐसे शब्द कर्म है। तत् कुरुवन्ति अस्मिन् क्षेत्रे इति कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र का अर्थ इसलिए हो गया जिस क्षेत्र में जिस शरीर में रह करके आप कर्म कर पाते हैं वो शरीर का नाम कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र अर्थात स्थूल शरीर। स्थूल शरीर से कर्म होते, पंच कर्मेंद्रियों का व्यवहार स्थूल शरीर से होता है। कर्मार्थम क्षेत्रम इति वा, तो पहले जैसे ही धर्मार्थम क्षेत्र से कर्म करने के लिए ही मिला हुआ शरीर है, इसलिए इसका नाम कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हो गया। इति स्थूल शरीरम इत्यर्थ, अर्थ एवं सूक्ष्म शरीर में और स्थूल शरीर में क्या इकट्ठा हो रखे हैं? समवेता युत्सव, इकट्ठे हुए आपस में लड़ने की इच्छा से। कौन इकट्ठे हुए लपस लड़ने की इच्छा से? कहते मामा का पांडवास चाहिए, आपके शरीर में मामा का कौन है? किसने व्याख्या किया मामा जी से आएगा ना मामा का अरे चलो ये भी हंसने के लिए अच्छा है ठीक अब देखिए इसका अर्थ क्या किया जाए। मामका मैंने राजसास तामसाश्च कर्मेन्द्रियाणि तद विषयाश्च रजोगुण तम गुण वृत्ति है तीर्थ, राजस और तामस वृत्तियां अर्थात कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले सारी वृत्तियों को लिया, तद विषयों को भी लिया जाएगा, वह सब का नाम मामका रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां। क्यों ऐसे क्यों कर रहे हैं आप, उल्टा करो? कहते नहीं, क्योंकि ममत्व च पुरुषतंत्रत्वात्, ममत्व और अहंत में बहुत अंतर है। शुक्लत्व में ममत्व क्या होता है? पुरुष के अधीन है, आप इसको मम कह लो ना कह लो, आपके अधीन है ना, वस्तु अधीन नहीं होता है। अहंता ममता, अहंता ममता पुरुषाधीन है। पुरुष अपना अभिमान कर लेता है, मेरे हैं तो मेरे हैं, नहीं है तो नहीं है। अतः जो पुरुष तंत्र होता है वह गौण होता है हमेशा, जो वस्तु तंत्र होता है प्रधान होता है। तो ब्रह्म वस्तु है, वस्तु तंत्र ज्ञान होने के नाते ब्रह्म ज्ञान
इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सबसे प्रधान ज्ञान होता है, बाकी सब विषयाधीन ज्ञान है। इसे कहते देखो ममत्वंच पुरुषतंत्रत्वात् अतएव गौणम गौणत्वाच्च पूर्वमुक्ताम। इसलिए पहले कहना पड़ा मामकाहा, गौण को पहले करके बाद में प्रधान प्रस्तुत किया जाता है। और पांडवाह मैंने सात्विकाहा ज्ञानेन्द्रियाणि तद विषयाश्च, ज्ञानेन्द्रिया और सकल विषयों को सात्विक वृत्ति मानी जाएंगी। ज्ञान प्रदाता है वो, और वो ज्ञानेन्द्रिय प्रवृत्त जो होते हैं वस्तु अधीन होते हैं। वसुतंत्रत्वात् प्रधानम, वसुतंत्र होने में आते वे प्रधान है। प्रधानत्वात् श्रेष्ठम, श्रेष्ठत्वाच्च परमुक्तम, श्रेष्ठ होने से उसको बाद में कहा मामका पांडवाश्च। राजस और तामस गौण है पुरुषतंत्र होने से, और सात्विक हमेशा वसुतंत्र होने से वह प्रधान होता है। गौण प्रधान भाव को ध्यान में रखते हुए पहले मामका बाद में पांडवाश्च का हो गया। ये हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में निरंतर लगे रहते हैं, 24 घंटा लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ने की इच्छा से ही इकट्ठा हुए नहीं, वास्तव में लड़ाई चली रही है। महाभारत युद्ध 24 घंटा आपके अंदर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर निरंतर चलते रहता है। कभी कोई किसको अभिभूत कर रहा है, कभी कोई किसको अभिभूत कर रहा है, ये चलते रहता है। और कहते ठीक है ऐसे में किम करूं, तो साधक पूछेगा मुझे क्या करना चाहिए। जीवात्मा पूछता है मुझे क्या करना चाहिए, इस लड़ाई चल रही है इस शरीर में जिसे मैं रोक नहीं पा रहा हूं, तो मुझे करना क्या है। जवाब दिया संजय, सम्यक प्रकार से इंद्रियों को अपने वश में लाओ, जीत लो। एक ही तरीका है इस महाभारत युद्ध को जीतने का, इसे संजय यहां पर साधन पर स्थिति बताया, समस्या बताई पहले, और उसका साधन बताया जा रहा है अभी, इसके लिए क्या करना चाहिए। उसको जिज्ञासा हुई है, मुमुक्षा हुआ है, वो तामसी भले जीव है, फिर उसके अंदर मन में आया कि ये जो लड़ाई निरंतर चलते रहता है, जिससे शोक मोह से ग्रस्त रहता हूँ, तनाव से ग्रस्त रहता हूँ, इसे मुक्त होने का तरीका क्या है। तो संजय सेन्द्रियाणि अंतकरणं सम्यक प्रकारेण जितवान इति संजय, इंद्रिया के सहित अंतकरण को सम्यक प्रकार से जो जीत लिया है उसका नाम संजय होता है। हमेशा सिद्ध पुरुष का जो स्थिति होती है वह अन्यों के लिए साधन होता है। ये आगे सिद्ध प्रज्ञा सिक्का भाषा में बोलेंगे भाष्यकार। हमेशा जो लक्षण जीवन मुक्त का, मुक्त का जो बताया जाता है, उनकी जो स्थिति का वर्णन किया जाता है, वह हमारे लिए लक्ष्य हो जाता है, साधन भी हो जाता है। अभयम सत्व संशुद्धि इत्यादि कहेंगे ना, अभयम क्या है, जो स्थिति को प्राप्त किया व्यक्ति का स्वरूप है, हमारे लिए साधन है और साध्य रूपेण भी लक्षित हो जाता है। सेन्द्रियाणि अंतकरणम सम्यक प्रगाण, जो जितवान है जीता हुआ है उसका नाम संजय होता है। अर्थात हमें भी क्या करना है, हमारे सकल इंद्रियों के सहित अंतकरण को अपने वश में लाना है, जीतना है। विवेकशाली बुद्धिमान इत्यर्थ, विवेकशाली बुद्धि वाले का नाम संजय। अतएव इस जीवात्मा का कर्तव्य है अपने बुद्धि को भी विवेकशालिनी बना ले। और विवेकशाली बुद्धि कैसे हो पाएगी, असली गुरु कौन है, आपके अंदर ही है। इसी जो विवेकशाली बुद्धि है उसे कह रहे हैं आप तो गुरुर आचार्य, वही आपके लिए आप्त है, वही आपके लिए गुरु है, वही आपके लिए आचार्य है। ये एकमात्र साधन है, जिस किसी व्यक्ति हो, जिस किसी भी अवस्था में हो, मंद मध्यम उत्तम अधिकारी कोई भी हो, उसके लिए एकमात्र साधन प्रमुख साधन है। इसलिए भाष्यकार ने भी कहा दुर्लभ क्या है, महापुरुष संश्रय, ऐसे आप्त पुरुष का मिलना दुर्लभ है, ऐसे गुरुओं का मिलना दुर्लभ है, ऐसे आचार्य का मिलना दुर्लभ है, जो आपको सन्मार्ग में लगा करके इंद्रियों का अंतकरण सहित इंद्रियों को अपने वश में लेने के मार्ग बता दो।
इसलिए संजय शब्द से लक्षित कर दिए है अंत में आपतः गुरुर आचार्य हुआ। चकारेण इस श्लोक में चकार के द्वारा धर्माधर्म पक्ष द्वयेपियो तटस्थ कृष्ण सैव ग्राह्य। धर्माधर्म उभय पक्ष के दृष्टिकोण से जो तटस्थ है, भले धर्म संस्थापन के लिए आया हुआ है लेकिन वो व्यक्तियों के जीवों के कर्मानुसार ही व्यवहार करता है, केवल अपने आप में वो तटस्थ है। ऐसे कोई चौसे ग्रहण कर रहा जो सात्विक राजसिक तामसिक सब प्रकार से वृत्तियों से पर है, वृत्तियों का भी जो प्रकाशक है विशुद्ध चैतन्य है वही कृष्ण है, वो यहाँ चौसे कथा दृष्टि से भी ग्रहण किया जाता है और चौसे अपने लिए चैतन्य सामान्य को ग्रहण किया जाता है। और मैं जो वास्तविक दृष्टा हूं मेरा कर्तव्य बनता है मैं अंतकरण सहित इंद्रियों को अपने वश में धीरे धीरे ले आऊं, तभी इस मार्ग के लिए हम अधिकारी बन पाएंगे। बिना संयमित किए हुए इंद्रियों का अधिकारी नहीं होता। अंत जो भई साधन के साथ अंतर सांझा बद वहां पर क्या कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय। इंद्रियां जब तक संयत नहीं होते आप अंतरंग साधन वाले है ही नहीं, भले बाहर जितने लोटपोट करते रहो साष्टांग प्रणाम करते रहो इन अंदर में वासनाएं परेशान करेंगे। इसलिए तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रष्टेन सेवया, सेवा प्रणिपात परिप्रष्ट ये सब भले ही कर लेते रहो लेकिन मुख्य है वहां पर अंत वाला संयत इंद्रिय। या शुरू में संकेत कर दिए हैं आपका संयत इंद्रिय होना पड़ेगा जब आपके अंदर में चलता उस महाभारत को में विजयी होना है। तो तीन पक्ष उठाया था धृतराष्ट्र के मनोराज्य का, हो सकता है युधिष्ठिर निवृत्त हो गया हो, यह हो सकता है दुर्योधन का मन बदल गया हो, यह हो सकता है लड़ाई हो गई हो। उसमें कहते हैं अब अगले श्लोक के अवतरणिका में पक्ष तृतीय सिद्ध इति संजय वाचा संक्रांति टीका। पक्षस तृतीय जो तीसरा पक्ष है युद्ध हुआ वही पक्ष को ग्रहण करते हुए संजय कह रहा है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। राजा वचनम अब्रवीत, दुर्योधन को भी राजा कहेंगे यहां और आगे युधिष्ठिर को भी राजा ही कहेंगे, दोनों को राजा ही कहेंगे। अब असली राजा कौन है, कथा दृष्टिया असली राजा तो धृतराष्ट्र है, राजा तो वही है ना, महाराज है वो। और ये दोनों युवराज पद के लिए लड़े थे, उसमें युधिष्ठिर युवराज हुए थे और ये तो कुछ भी नहीं है, साधारण राज को मार रहे हैं लेकिन उसको राजा कह रहे हैं। अंधा व्यक्ति को राजा बनाया गया, उस समय स्थिति ऐसी थी जरूरत पड़ी बनाया गया, कोई योग्य विकल्प है नहीं तो क्या करे। विदुर जो बेचारे विरक्त महात्मा है वो कहते हैं मुझे सब नहीं चाहिए, कौन करे, इसे उनको बनाना पड़ा। तो विदुर से निवेदन मेरा महामंत्री बन जाओ तो भी काम चलेगा ढंग से। इसलिए यहाँ पर स्थिति है कि राजा वचन प्रवृत्त कहने का पीछे क्या रहस्य पर चलते हैं। पहले सामान्य अर्थ देखिए, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढ़म, व्यूढ़म ने फैलाया हुआ एक विशिष्ट तरीके से स्थापित किया हुआ अनेक प्रकार के व्यूह का होते हैं, जैसे वहां चक्रव्यूह आता है ना, पद्म व्यूह, कमल, अलग अलग व्यूह होते हैं जिस पर सेना के मोर्चाबंदी बोलते हैं, मोर्चाबंदी करना कौन कहाँ खड़ा होगा कैसे खड़ा होगा। रायवाला में आप लोगों ने देखा होगा ना सैनिक आते थे वहाँ, उनके प्रशिक्षण होता था
वैसे ऐसे बहुत डांटता था, ऐसे रहो तुम वहाँ खड़ो हो, तुम यहाँ खड़ो हो, तुम बंदूक वहाँ करना, इसको यहाँ करना, अलग अलग मोर्चाबंदी सिखाया जाता था, अलग व्यूह बनाया जाता है। तो व्यूढ़म पांडवानिकम एक विशिष्ट व्यूह के रूप में स्थित जो पांडवों का अनिक मने सेना, सेना को दृष्टवा देख करके तदा उस समय राजा दुर्योधन आचार्य उपसंग्य संगम्य वचन अब्रवीत। राजा जो दुर्योधन है वह आचार्य के समक्ष चला गया, भीष्मादि के पास नहीं गया, द्रोणाचार्य के पास गया जानकी, क्योंकि द्रोणाचार्य जी पर उसका मुख्य रूपेण भरोसा नहीं है, भीष्म पर भरोसा है लेकिन द्रोणाचार्य के भरोसा नहीं। क्यों? उनका एक चेला वहां सेनापति बना हुआ है सामने, और दुर्योधन के अर्जुन के प्रति विशेष प्रेम भाव भी था शिष्य के प्रति। अब इसलिए वो भीष्मादि के पास कृपाचारी थे, वहां भीष्म जी थे इससे भी बड़े, उनके पास नहीं जाता है और आचार्य के पास आकर बोलता है। और सकल विद्याओं के गुरु होते हुए उनको आचार्य क्यों कहा, गुरु क्यों नहीं कह रहा है? इसे दो पक्ष मानते हैं, निंदा पक्ष और स्तुति पक्ष, दोनों पक्ष घटाया जाता है। एक तरह दुर्योधन आचार्य की निंदा भी कर रहा है, स्तुति भी कर रहा है, दोनों ही बातें विशेष टिप्पण में देख लेंगे। राजा वचनम अब्रवीत, और दूसरी बात यह है वचनम अब्रवीत करने की क्या जरूरत है? अब्रवीत का अर्थ होते बोलना, बोलना मैंने वचन ही तो बोलेगा और क्या बोलेगा, गाएगा क्या, वहां नाचेगा क्या, वहां तो युद्ध भूमि में बोलने के लिए और है क्या? इसे अब्रवीत कहने से वचन शब्द ग्रहण हो रहा था, फिर भी वचनम क्यों कहा है? यह ज्ञापन करने के लिए इतना दुष्ट है दुर्योधन, वो अंदर बात छिपाता कुछ और बाहर कुछ और बोल रहा है। खोखले वचनों को बोलने का नाम वचनम अब्रवीत, नहीं केवल अब्रवीत कहने से काम चल रहा। अन्य शब्दों से श्लोक को पूरा किया जा सकता है, लेकिन बताने के लिए अंदर से बहुत भयभीत है, अंदर से द्रोणाचार्य के प्रति संशय ग्रस्त है, लेकिन बाहर से बड़े सम्मान का कर रहा है और उनको उत्साहित करने की कोशिश करता है। अतएव वचनम शब्द का भी प्रयोग हुआ है। अब अपनी दृष्टि से देखिए, इसका संक्रांति टीका को देखिए। दृष्ट्वा तु पांडवानिकमिति, राजा दुर्योधन तदा युद्ध सन्नाह काले, युद्ध के लिए सन्नद्ध उन सभ्यों के उस समय में व्यूढ़म व्यूहाकारताम आपन्नम, व्यूहाकारता को प्राप्त हुए पांडवानामनिकम, पांडव की जो सेना है बल है उसको दृष्ट्वा देख करके धनुर्विद्याचार्यम द्रोण उपगम्य, धनुर्विद्या के आचार्य द्रोण के पास जा करके पांडव बलोत्कर्ष वर्णनेन, पांडवों के बल में उत्कर्षता का वर्णन के द्वारा स्वपलस्य शौर्य बल पौरुष उत्साह उद्रेकम संपादितुम, अपने बल में शौर्य बल पौरुष और उत्साह को बढ़ावा देने के लिए संपादितुम इच्छन इच्छया संपादितुम इच्छया इदम वचनम अपरवी संपादन करने की इच्छा से यह वचन कहता है। पढ़ में देखिए, वेदांत अधिकारण लक्षण कथनार्थोपक्रम, अभी उपक्रम है, मुख्य लक्षण या नहीं है, वेदांत अधिकारी के लक्षण का कथन करने के लिए उपक्रम किया जा रहा है। दुर्योधन दुर्भावनया अधर्मेण संशय भयादयुक्त सन युद्धतीय सो दुर्योधन, दुर्भावना पूर्वक अर्थात अधर्म पूर्वक जो संशय भय आदि से युक्त होता हुआ युद्ध करता है उसका नाम दुर्योधन। राजा है उसको राजा क्यों कह दिया? इनके स्वभाव से सिद्ध हो रहा है, वीर पुरुषा अत्याधरेण युद्धे प्रवृत्त्याहा इति न्यायेन प्रवृत्तत्वात् राजा। जो वीर पुरुष होते हैं कायर तो देख के भाग जाएगा सेना को, जैसे बच्चे पुलिस को देख के भाग जाते हैं वैसे ही कायर जो होता है पर सेना को देख के डर जाएगा,
उत्तर कुमार की कहानी नहीं आता, वो पेड़ पे चढ़ जाता था, पहले बहुत ढींग हांकता था, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा सब कुछ, क्या है ये कुछ नहीं ये लोग, जहाँ सामने आ गए तो एकदम छुप जाए, पेड़ पे चढ़ जाए। हाँ, अर्जुन पकड़ के लाता था, गोदी में उठा कर लाता था, हम भाग रहा है तो डरता है, हमें ना साथ में। तो इसलिए कहते हैं कि देखो ये वीर पुरुष, इसमें कोई संशय नहीं है, राजा भले ही ना हो तो भी इसको राजा कहने में कोई दोष नहीं बनता है कि वीर पुरुष होते हुए आदर पूर्वक युद्ध में वो प्रवृत्त हुआ है। और दोनों में भविष्य में राजा होने की कल्पना तो है ना, दुर्योधन भी सोच रहा है मैं जीत जाऊंगा तो मैं राजा होऊंगा, धृतराष्ट्र के भी मन में होगा मैं जीत जाऊंगा तो मैं राजा बनूंगा। सिर्फ दोनों के लिए राज शब्द प्रयोग करना इस न्याय के अनुसार और संभावना के अनुसार गलत नहीं है। वचनम अब्रवीत, इस पर यद्यपि अब्रवीत इत्युक्ते नहीं वो होना चाहिए, एक कारण ये देख लो यहाँ पे, इत्युक्ते नहीं वो ऐसा कहने के द्वारा ही वचनस्य ग्रहणम संभवती, वचन का ग्रहण करना संभव था, वचनस्य ग्रहणम संभवती, तथापि वचन पद ग्रहण ज्ञापयति, वचन पद का ग्रहण करना ज्ञापित करता है, मौखिक कथन मात्र, हार्दिक कथन नहीं है किंतु केवल मुंह से बोल रहा है असली बात। क्या लोग बोलते हैं ना, आजकल लोगों के स्वभाव ये बन गया है, सामने बोलते हैं भीतर में कुछ और बात होती है, दिमाग में कुछ और बात होता है, दिल में कुछ और बात होता है, पीठ के पीछे कुछ और बात होता है, लोग सब बहुमुखी हो गए हैं। सामने तो बड़ी प्रशंसा रहा है, आप तो हैं वो हैं ऐसा है, और पीठ पे जल जल रहता है, ऐसे ही बेकार आदमी है कुछ नहीं, पीठ के पीछे शुरू कर देते निंदा, सामने स्तुति पीछे निंदा, और अंदर भगवान जाने और क्या कहानी है, अंदर को कौन टटोल सकता है। इसलिए जो है काया वचा मनसा कर्मण्येकम वचस्येकम मनस्येकम महात्मना, है कि नहीं, और हाँ कर्मण्यन्यत वचस्यन्यत मनस्यन्यत दुरात्मना कहा गया है। इसलिए काया वाचा मनसा एक हो वह महात्मा है, और काया वाचा मनसा अलग अलग रहता है वह दुरात्मा है, कहा गया है। अतएव ये दुर्योधन है, इसे नाम है इनका शब्द दुर्योधन है ना, ये इसके भाई का नाम सुयोधन था, एक भाई का नाम सुयोधन भी था, बाकी सब नाम गड़बड़ है, लेकिन एक ही इन सौ में से एक सही था, उसका नाम सुयोधन था। और युद्ध में भी बताया जाता है वो शुरू में लड़ा ही नहीं, कहते हैं बेकार काम कर रहे हैं, अपने आप दो दिन पिटाई खाएगा तो चुप हो जाएगा दुर्योधन, सही हो जाएगा, सोच करके वो गया ही, जब देखा भीष्म पिता भी चले गए, 10 दिन चले गए, और ये रहा तो नहीं जाओगे तो कहेंगे देखो भ्रातृद्रोह कर रहा है, इसे मरना पड़े कोई बात, जाके मर जाएंगे, चला। चौथे दिन जा करके लड़ करके 11, 12, 13, 14, 14वां दिन स्वर्गवासी हो गया। तो इस प्रकार से कहानी आई, तो इसलिए नाम ही उसका ऐसा है, कहना ही क्या है, मौखिक कथन मात्र करेगा दुर्जन है, नान्तकरणस्थ संशय भयादिकम भयादिकम ब्रवीति, अंतकरण जो संशय है भय है इत्यादि को स्पष्ट रूपेण कथन करता हुआ उनसे निवेदन नहीं कर रहा है। तू शब्द न चैत्र ज्ञाप्य थे, अरे अर्थ आपने कहाँ से ले लिया, कहते तू आया है ना वो ज्ञापन दृष्टवा तू, वो तू शब्द इस भाव को ज्ञापन करता है, अथवा तू शब्द पांडवा नाम उत्कर्षो व ज्ञाप्य साथ जोड़ो, अथवा जो जा पांडवों को उत्कर्ष को ज्ञापन करने के लिए तू शब्द, हमारा तो जैसे तैसे है लेकिन इनका तो महान है, किंतु लेकिन अथवा तू होता है ना, हमारा तो ठीक नहीं है, इनका तो देखो कैसा है,
दिव्य भव्य दिख रहा है, छोटी सी सेना ले, सात अक्षणी, लेकिन लगता है कि हम सबको खत्म ही कर देंगे, अंदर से है ही हो, इन बात में बोल नहीं रहा। अब कहते देखो संबोधन में आचार्य शब्द क्यों दिया, आचार्य स्तुति पक्षे निंदा पक्षे च द्रष्टव्य, क्योंकि धनुर्विद्या दुर्योधन ने भी सीखी है, यदि मुख्य रूपेण मलयुद्ध में गदायुद्ध में वो प्रावीण्यता थी, इन सकल विद्याओं को सीखा ही था, धनुर्विद्या भी उनसे सीखा है, गुरु तो है ही है। स्तुति पक्षे निंदा पक्षे च द्रष्टव्य, स्तुति पक्ष में क्या है, शिष्य सामर्थ्यस्य प्रबोधकत्वाद एवं स्वयं द्रोण नामासी यतस्तम इति, स्तुति स्तर से देख लीजिए आप, आपने कैसे शिष्य बनाया है, आप इतनी महान है आप गुरु, तो इतनी बड़ी सेना का सेनापति बन गया है, शिष्य के अंदर जो सामर्थ्य को जगाना ये गुरु का काम है और आपने किया है, देख लो प्रशंसापरक हो गया है, आपके आचार्यत्व सफल है कि आज आपके शिष्य सेनापति बन के सामने खड़ा है, इस तरह से प्रशंसा परख लिया जाएगा। शिष्य सामर्थ्य से प्रबोधकत्वात, क्योंकि गुरु का काम क्या होता है, शिष्य सामर्थ्य को जगाना, प्रबोधकत्वात एवं स्वयं, और स्वयं भी आपका नाम क्या है, द्रोण है, द्रोण नामासी यतस्तम, द्रोण किसको कहते हैं, द्रोण नाम मात्र उनकी स्तुति कैसे हो गया, सुनो ध्रुव धातु है शीघ्र गतौ, ध्रुव धातु शीघ्र गति अर्थ में, द्रवति गच्छति ज्ञान स्वरूपे स्थितिम प्राप्नोति इति द्रोण, गुणादि सूत्र 3:19 जिससे द्रोण शब्द बनता है, जो व्यक्ति अपने ज्ञान स्वरूप में झटपट शीघ्र गति से स्थित होने की सामर्थ्य रखता है उसका नाम द्रोण है। और हुआ भी देख लीजिए, जब द्रोणाचार्य का शरीर कैसे छोटा था, है? क्यों किया था, अश्वत्थामा हत्या बोलने से तुरंत कैसे क्षण भर में समाधि में चले गए, कितनी सामर्थ्य थी उनकी, इतनी शीघ्रता पूर्वक, यानी दौड़ प्राणायाम करूँ यह करूँ धीरे धीरे अपना सेटल करूँ सारे इंद्रिय पिंड कंट्रोल करूँ और समाधि में पहुँचूँ, ना कान में पड़ा अगले क्षण वहीं समाधि, वहीं तुरंत पद्मासन लग बैठ गए, स्थिर हो समाधि, झटी थी शीघ्र, ये जो शीघ्रता पूर्वक स्वस्थ स्वरूप स्थित होने की सामर्थ्य है वो उनमें थी, इसे उनका नाम द्रोण था। यहाँ पर एक और होता है द्रोण में नाप, एक नाप होता है 256 शेर को एक द्रोण बोलते हैं, 256 शेर एक द्रोण वजन होता है, इन्हें वजन वजन से अर्थ को यहाँ लेने की जरूरत नहीं है, कि वास्तविक जो घटना घटी उनकी जीवन के अंतिम क्षणों का उसे स्पष्ट है, उनकी सामर्थ्य थी वो अपने स्वरूप में झटित स्थित हो सकते थे, इसलिए उनका नाम द्रोण, सार्थक के स्तर से उनके नाम का परोक्ष रूपेणा आचार्य कह करके परोक्ष रूप उनका नाम को लेकर स्तुति कर रहा है। तथा अब जो है निंदा पक्ष नहीं, तथा नहीं शिष्य अपेक्षा गुरोर आधिकत्वस्य द्योतराय, और दूसरा शिष्य की अपेक्षा से गुरु अधिक भी हैं, आप गुरु हैं इसलिए हमारा विजय पक्का है, कि चेले को कोई ना कोई एक गुरु नहीं दिए होंगे ना, गुरु उसी का ना जो गुरु ना दे, एक गुरु अपने पास रखे वही गुरु है, कुछ ना अपने हाथ में लगाम रखना पड़ेगा ना, नहीं तो चेड़ा उल्टा गुरु पर चढ़ जाए। इसलिए निश्चित रूपेण आप कोई ना कोई अपनी दिव्य विद्याओं में से एकाध रहस्य विद्या अपने पास रखे होंगे जिससे हमारा विजय तय हो, यह प्रकट करने के लिए वो आचार्य और शिष्य को सामने दिखा रहा है, कि शिष्य अपेक्षा गुरोर आधिक्यत्वस्य होनी चाहिए, यहां पर थोड़ी गलत छपी है, त्वस्य द्योतनाय आचार्य कर संबोधन, वही दोनों बातें स्तुति पक्ष के लिए हो गई। निंदा पक्ष में कैसे घटाएंगे आप, गुरु शब्द अपेक्षा आचार्य शब्द प्रयोग,
गुरु शब्द प्रयोग न करते हुए आचार्य शब्द प्रयोग करना ही उनकी निंदा है। गुरु को गुरु न कहना, आचार्य कह देना, उपाध्याय कह देना, उसे निम्न स्तर के शब्द प्रयोग कर देना, वही उनका निंदा है। मैंने कहने कैसे आप आचार्य हैं, ऐसे चेला तुमने बनाया जो तेरी मारने को तैयार है। आज इतना ही निंदा करना पर्याप्त है। स्वयं मृत्युम अपनी अध्यापित तत्व, देखो गुरु शब्द आचार्य शब्द प्रयोग कर रहा है इसीलिए क्योंकि स्वयं मृत्यु को ही पढ़ा दिया, एक तरह से लिखा दिया, मालूम था इसे हमको मरना है, फिर उसको क्यों पढ़ाया? अपनी मौत को सुशिक्षित कर दिया मारने के लिए, इसलिए कैसी है पाप, कितने बुद्धिमान कितने विवेकी हैं आप बता रहे हैं ना, निंदा पक्ष है। स्वमृत्योपि अध्यापितत्वात् मूढ़ता च अस्य प्रकटनेन क्रोधोद्दीपनार्थम आचार्य शब्द प्रयोग इति, उनकी एक तरह से मूढ़ता को प्रकट करते हुए गुस्सा प्रदान करना चाह रहा है, तो गुस्से के मारे नहीं, देख मैं कैसे दिखाता हूं, वो मेरे को मार नहीं सकता, मैं मृत्यु हो तो मैं उसके मृत्यु के महामृत्यु बनकर लड़ूंगा, ऐसे क्रोधावेश आना चाहिए, नहीं तो युद्ध कैसे होगा? लड़ने के लिए आदमी के अंदर क्रोधावेश लाया जाता है। आजकल भी जो सेना होती है ना, आजकल थोड़ा अलग तरीके हो गया युद्ध, लेकिन अभी जो थल सेना होती है, स्थल सेना, ये जब युद्ध में जाते हैं मोर्चाओं में एक पीछे खड़ा रहता है, आजकल थोड़ा माइक का इस्तेमाल हो गया है ना, वो तो कॉर्डलेस आता है ना, उसको ले जाते हैं, उससे चिल्लाता है, गालियां देता है विपक्ष को, तो उनके अंदर जोश आता है सैनिकों में, ऐसे दुष्ट है ये, को मारो। हम लोग देखते थे बचपन में भी, एक बार ऐसे बहुत बड़े बड़े पाइप होते ना, लोहे का पाइप था, कावेरी जल ला रहे थे बेंगलोर को, और उसको उठाए उस समय तो जेसीबी फिर थे नहीं भारत में, उठा के रख दे तो आदमी उठाते थे, सौ सौ आदमी रख देते और एक खड़ा रहता था, खींचो ऐसा खींचो ऐसा, मैंने गाली देकर बोलता था, गाली दे करके खींचो ऐसा बोलता था, अब तो खींचते थे, जोश पैदा करते थे, अब तो गालियों से जोश कैसे आता है भगवान जाने, ये ना आता है। ऐसा दृश्य भी वर्तमान में देखना है, अमृतसर और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां भी ऐसी, वहां चलता है जोशीला जोशीला चलते रहते हैं, जो दर्शक होते हैं ना, हाँ जोश आ जाता है वाघा बॉर्डर में, उधर उधर पाकिस्तान की सेना, इधर इधर की सेना, देखने लायक दृश्य होता है। ये एक सामान्य कहानी है, जोश लाए बिना युद्ध सम्यक नहीं हो पाता है, जोश लाने के लिए उनकी मूढ़ता का को प्रकट करता हुआ जो उन्होंने आचार्य शब्द प्रयोग कर दिया। आइए अब तीसरे श्लोक, यहाँ पर संग्राम जीकार का कहना है दुर्योधन वाचा होना चाहिए था, प्रमाद से लिखा नहीं गया लगता है, किसके पास अगला पंक्ति कौन बोल, श्लोक दुर्योधन बोल रहा है ना, यहाँ श्लोक में कहा राजा वचन, अब राजा दुर्योधन ने कहा, अब आगे कहेगा कौन, राजा तो कहेगा, दुर्योधन वाचा होना चाहिए। जैसे आप द्वितीय अध्याय के पहले श्लोक में देखेंगे वाच मधुसूदन समाप्त होता है श्लोक, अगले श्लोक में क्या लिखते हैं आप, श्री भगवान वाच लिखते कि नहीं लिखते, नहीं तो वाच मोशन का और सीधा कहानी शुरू कर दो, भगवान वच बोलने क्या जरूरत है, प्रक्रिया यही है, पूर्व में बताने वाले ने अपनी अवतरणिका दे दिया है, अब आगे जब शुरू होगा उपदेश वो साक्षात उसी के नाम से आना चाहिए। तो यहां पर भी टीकाकार कहेंगे दुर्योधन वाच होना चाहिए, पश्येताम पांडुपुत्राणा माचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता, पश्येताम पांडुपुत्राणा माचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता, पश्येताम पांडुपुत्राणाम, हे आचार्य
भो आचार्य पांडपुत्राणाम महतीम चमूम व्यूढ़ाम महतीम चमूम, विस्तार रूपेण फैला हुआ इस महान सेना जो पांडवों का है उसको ठीक ठीक से देखिएगा। अरे देख ही रहा हूं, देखिए क्या बोलने क्या मतलब है, सब देख ही रहे हैं, आंख बंद करके थोड़ा वहां ध्यान कर रहे हैं कोई, ये कहना पड़े आप देखिएगा। यहां भी निंदा करने की दृष्टिकोण से मैंने कहने का भी प्रयास किया, मोह ममता से मत देखिएगा, मोह ममता से देखेंगे तो काम खेल खराब हो जाएगा, शत्रुभाव से देखिएगा। जब शत्रुभाव से देखोगे तभी तो हमारे विजय प्राप्त कराओगे हमें, इसलिए जान के पश्यो कद देखिए, ठीक से देखिए कौन कैसा शत्रु है। मोह से देखेंगे तो काम थोड़ा, जैसे अर्जुन ने मोह ममता से देखने लगा तो क्या हो गया, सन्यासी होने को तैयार हो गया। इसे पश्य कैसी सेना है ये, तव शिष्येण धीमता द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ां महतीं च मम, आपका जो शिष्य है बुद्धिमान, बुद्धिमान है इसलिए कि शत्रु के भी मुख से ज्ञान प्राप्त कर ले, भाई तुम बुद्धिमान है ना, अनुकूल गुरु आचार्य से ज्ञान प्राप्त कर कौन सी बड़ी बात हो गई, दृष्टि तुम नहीं जानता है, द्रोण क्या है, द्रोण जानते हैं दृष्टि तुम क्या है, उनका कर्तव्य था वो हम ज्ञान देने ना दे, कोशिश करते वो अपनी ओर से, ये कोशिश कर रहे इनसे मुझे ज्ञान पाना है जिनको मैंने मारना है, इसलिए धीमता विशेषण दे रहा, उनकी बुद्धिमत्ता देखो और आप अपनी मूर्खता को देख लीजिए। आचार्य कहकर संबोधन करते कह रहा है आप अपनी मूर्खता को देखिए, आपसे ज्यादा बुद्धिमान वो है, आपके पेट से सारी विद्या ले लिया उसने। धीमता शिष्येण आपके, तव शिष्येण धीमता जो द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ां महतीं च मम पश्य, उसकी टीका थोड़ा ही है देख लीजिए। उवाच मुसुन इत्यत्र श्री भगवान वाचित यथा तथा अत्रापि दुर्योधन वाचेति निवेशनीयम्, जैसे आपने उवाच मधुसूदन दो एक में आता है, तंतता कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णा कुले क्षण विशीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, दो एक में है या नहीं, तो उसके बाद क्या होता है, श्री भगवान उवाच ऐसे शुरू करते हैं आप, इस तरह से यहां भी होना चाहिए, यथा तथा अत्रापि पूर्व में था राजा वचन अब्रवीत, उसके बाद क्या होना चाहिए, इसलिए दुर्योधन उवाच इति निवेशनीयम्। परम तथा पाठो न दृश्यते, निवेश तो करना चाहिए लेकिन ऐसे पाठ दिखाई नहीं देता, तब कहते तत् प्रमादिकम्, ऐसे पाठ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, प्रमाद, लेखक की प्रमाद, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ, किसने लिखते लिखते भूल गया नहीं लिखा, तत् प्रामादिकम् इति। एक आचार्य जी तो बोलते थे प्रामादिक क्या है, वो उतने हिस्से में दीमक लग गया था, दुर्योधन वाच नहीं दिखाई दिया, हाँ उसको पसंद है दीमक को, जो सोचा ये कि दुष्ट का नाम क्यों आ गया शुरू शुरू में ही, इसे दीमक ने खा लिया। ऐसे मनोरंजन करते हैं लोग अपने अपने हिसाब से। हे आचार्य इति